हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग से चिकन की रेसिपी आज हम बनाएंगे चिकन रसाला वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली सुपर डिलीशियस सुपर अमेजिंग आपको घर पे टेस्ट देने वाली हो रेस्टोरेंट का तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहेंगे वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे कोई नए तो और चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक के जी चिकन अच्छे से नीट एंड क्लीन करके वॉश करके सारा पानी निकाल दिया था और बड़े बड़े पीसेस जो भी है ना उसमें मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाले अंदर तक जाए अब हमने डालना है दही डेढ़ सौ ग्राम उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है दो बड़े साइज के अनियन का पेस्ट बना लिया था ये हम ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पर वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ग्रीन चिलीज का पेस्ट ऐड करेंगे वन एंड हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का कोई काम नहीं है तीखा इसी से आएगा उसके बाद यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर लिया है मैंने वन टेबल स्पून इससे जायका अच्छा आता है ये नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हो गया अभी हम इसे ढक करके साइड पर रख देंगे एक से डेढ़ घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेट होने के लिए यहाँ पर मैंने एक घंटे का इसे मैरिनेशन किया था और यहाँ पर ये यह हमारा चिकन रेडी है चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में लिया है जस्ट टू टेबल स्पून के करीब में ऑयल उसमें हमने टू टेबल स्पून के करीब में ही यहाँ पर घी लिया है दोनों को अच्छे से गर्म कर लिया है उसके बाद इसमें मखाने फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने टोटल दो कप मखाने को फ्राई कर लिया है तो यहाँ पर मैं मखाने भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत सारे रेस्टोरेंट में ना रज़ाले में मखाने भी पड़ते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो ये हो गया साइड पे रखते हैं यहाँ पर कढ़ाई में मैंने वन टेबल स्पून ऑयल और ऐड किया है और यहाँ पर वन टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे ठीक है तो ये जो घी है ना ये ऑथेंटिक रजालों को टेस्ट देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो ये ज़रूर से ऐड करेंगे उसके बाद चार छोटी इलायची पाँच से छः लौंग लिया है इसमें उसके बाद यहाँ पर एक दो इंच का टुकड़ा दाल दालचीनी का लिया है एक मैंने स्टार अनीस ली है और यहाँ पर दो तेज पात दे दिया है सारी चीज़ों को थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए कड़कने देंगे ये देखिए ये हो गया अब हमने इसमें डालना है ये मैरिनेटेड चिकन ये हो गया अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हमने इसे दो मिनट के लिए पकाना है दो मिनट पका लिया है और यहाँ पर दही देखिए कितना सारा पानी छोड़ चुका है तो अब हमने यहाँ पर सूखे मसाले ऐड करने हैं क्यूमिन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने वन एंड हाफ़ टेबल टी स्पून लिया है उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट पकाने के बाद में यहाँ पर मैंने लिया है ये आ, मैंने वन टेबल स्पून पॉपीसीड और बारह काजू का पेस्ट बना लिया था तो ये पेस्ट अभी हमने इसमें ऐड करना है साथ ही साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि कुछ भी मसाले वेस्ट ना हो और सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ये हो गया अभी यहाँ पर मैं ना लिड लगा ले रही हूँ और इसे हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर और बीच बीच में इसे स्टर भी करते रहेंगे चलाते रहेंगे ताकि ये तले से ना लगे इससे क्या होगा कि ये हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा साथ साथ हमारे मसाले भी भुन जाएंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से बस बीच बीच में इसे स्टर करते रहेंगे और यहाँ देखिए तकरीबन मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया था और यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है आपने सरफेस पे देख रहे होंगे कि ये मसाले के ऊपर इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लगा है तो अभी बस फ्लेम को हाई करना है और इसे दो से तीन मिनट के लिए हम इसी तरह से स्टर करते हुए इसे भून लेंगे दो से तीन मिनट भूनने के बाद में यहाँ पर देखिए ये हमारा मसाला कितना अमेजिंग सा बना है ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है तो अब यहाँ पर हमने ऐड कर देना है ये मखाने उसके साथ थोड़ा सा शुगर मैंने लिया वन टी दूध ऐड कर देंगे एक कप यहाँ पर और इसे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ये हो गया और अब यहाँ पर हमने डालना है पाँच से छः सूखी लाल मिर्चें तो यहाँ पर मैंने तीखा ऑलरेडी ग्रीन चिली से किया है इसलिए मैं यहाँ पर एंड में ऐड कर रही हूँ मिर्चें ताकि सिर्फ वो रिजाला का लुक आए वापस से लिड लगा लेंगे और बस इसे हमने डेढ़ से दो मिनट के लिए और पकाना है दो मिनट हो चुके हैं तो चलिए बस यहाँ पर देखिए ये हमारा रेडी है एंड में डालेंगे केवड़ा वाटर और यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा से केसर को दूध में भिगो कर रख दिया था तो ये भी हम ऐड करेंगे तो ये रजाला में जाता ही जाता है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आप घर में बना रहे हो तो लेकिन वो ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए ना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल वाला वो टेस्ट चाहते हैं तो बस यहाँ पर मैंने दो मिनट के लिए और पका लिया है और यहाँ पर देखिए ये हमारी ग्रेवी बनकर रेडी है चलिए सब कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए कितना अमेजिंग कितना खूबसूरत हमारा ये रजाला की ग्रेवी बनी है और सुपर टेंडर हमारा वो चिकन बनता है बहुत ही अमेजिंग सा लगता है खाने में आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है फिर मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताना है वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से और वीडियो को शेयर भी कर लेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ कोई नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वाले वीडियो के साथ तब तक ले बाय अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग